देखो इस वीडियो में तुम लोग को यार तीन टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक तो सभी को सुबह से यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तुम्हारा टीम यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुआ राउंड वन के लिए। तो भाई बेसिक सा चीज़ है, यहाँ पे राउंड वन हम लोगों ने यहाँ पे खेला ही नहीं। पहले तो इनकेम क्वालिफायर आएगा, देन उसके बाद राउंड वन राउंड टू आएगा, बट ये सभी का वेबसाइट में ये प्रॉब्लम सुबह से देखने को मिल रहा है। मैंने ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा, तुम लोग चाहते हो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, चाहते यार देख लो। मैं तीन चार टॉपिक डिस्कस करूँगा एंड इसे सॉल्व कैसे करना है क्या है भाई पूरा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 8 या फिर 7 मिनट का हो जाएगा, होप से ज़रूर से देखना। अब बहुत सारे प्लेयर बोल रहे हैं भाई कि आज हम लोग टीम अपना रजिस्टर कर सकते हैं, वेबसाइट के अंदर रजिस्ट्रेशन क्लोज दिखा रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, रजिस्ट्रेशन कल रात को ही क्लोज हो गया था यहाँ पे, अभी तुम रजिस्ट्रेशन करने जाओगे नहीं होगा। अभी मैंने पिछला जो वीडियो अपलोड किया था यार मेरे को इंस्टाग्राम पर, उसके बाद वो मैसेज आया कि भाई हम अपनी टीम को क्या आज रजिस्टर कर सकते हैं, हमारा एक टीम बच गया था, मैनेजर बच गया था, नहीं था तो क्या आज कर सकते। सिंपल सा चीज़ है, आज रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, कल रात को 12 बजे से पहले यहाँ पे क्लोज हो गया था, ऑलरेडी मेंशन है। तो अभी देखो ये वाला प्रॉब्लम तुम लोगों को देखने को मिला, जो राउंड वन तुम्हारा टीम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो बेसिक सा चीज़ है भाई, तुम लोगों ने राउंड वन यहाँ पे खेला ही नहीं है BGIS का, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, राउंड वन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, बट सभी को वेबसाइट में ये प्रॉब्लम देखने को मिला, तुम्हारा टीम यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो चुका है, नहीं खेल सकते हो भाई, ये अलग ही सीन है यहाँ पे। तो मैं से यार बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे सोच रहे हो भाई हमने यहाँ पे मैनेजर को ऐड नहीं किया, हमने यहाँ पे जो हमारा ये ऑप्शनल प्लेयर होता है उसे हम लोगों ने ऐड नहीं किया, कुछ कुछ चीज़ हम लोगों ने मिस आउट कर दिया, क्या इसके कारण हमारे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गया टीम? वैसा कुछ भी सीन नहीं है, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, तुम लोगों ने मैनेजर को ऐड किया हो या फिर ना किया हो, ऑप्शनल प्लेयर ऐड हो या ना हो, उससे कुछ भी सीन नहीं। बस 4 मेन प्लेयर यहाँ पे इन गेम क्वालीफायर खेलने वाला, बस वो वहीं तक ही है। तुमने 4 प्लेयर रजिस्टर किया, सिंपल रजिस्टर हो चुका है, बाकी जो ऑप्शनल प्लेयर है मैनेजर प्लेयर है उसे तुम लोग को सोचने का जरूरत नहीं। तो देखो यहाँ पे ये वेबसाइट के अंदर थोड़ा सा बग ग्लिच चल रहा है, तो हम सभी को पता है अगर BGMI के अंदर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसके अंदर कभी कभी भाई ऐसा तो नहीं आता, नॉर्मली मेंटेनेंस आता है, तुम सभी को पता है कोई भी गेम हो उसमें भाई 1-1.5-2 घंटे का मेंटेनेंस आता है, उसके अंदर जो भी ग्लिचेस होता है, जो भी बग होता है उसे यहाँ पे वो लोग फिक्स कर देते हैं। बट जो यहाँ पे BGIS का रजिस्ट्रेशन का जो वेबसाइट है उसके अंदर भाई तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, काफ़ी लोग बार बार जाके चेकआउट करते, वेबसाइट ओपन करते, इसके कारण BGIS वाले को भाई थोड़ा भी भाई 2-3 मिनट का भी यहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता है कि वेबसाइट के अंदर जो भी ग्लिच है, जो भी बग है उसे वो लोग अपडेट कर सके। अगर उन्हें टाइम मिलता भाई 1 घंटे का भी उन्हें टाइम मिलता है, 1 घंटे तक कोई भी यार वेबसाइट ओपन ना करे या फिर कोई भी लॉगिन वगैरह करके चेक ना करे, तो वो लोग जो भी ग्लिच है, जो भी बग है वो लोग भाई उसी टाइम पर सॉल्व कर लेंगे। बट काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स है, तुम्हें पता है भाई बीच बीच में भाई ऑन करते रहते, चेक करते रहते, चाहे तुम ना करो भाई, दुनिया में तो बहुत लोग हैं ना इंडिया के अंदर, सभी लोग देखते हैं, एकदम भी टाइम नहीं मिलता, काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस देखने को मिला वेबसाइट पर, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। कुछ कुछ ग्लिचेस मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा लंबा हो जाएगा नहीं तो। तुम लोग का पहले भाई प्रोफाइल वगैरह अपलोड नहीं हो पाता था, बटन पे टैप नहीं हो पाता था एंड कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह सबमिट नहीं हो पाता था, एडिट का ऑप्शन का जो बटन होता था वो काम नहीं करता, तुम सभी को यहाँ पे पता होगा बेसिक सा चीज़। तो धीरे धीरे ये सारा चीज़ यहाँ पे सॉल्व हुआ, अभी तो यार वेबसाइट के अंदर तुम सभी को पता है सभी का प्रोफाइल यहाँ पे 100% हो चुका है, किसी किसी का 50% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फिर भी अभी तक यार वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया, फिर भी यहाँ पे पेंडिंग सभी को दिखा रहे, सुबह से बंदे पैनिक है, ठीक है। तो पेंडिंग का जो चीज़ है भाई रहने वाला, उससे तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपने आप ही हटेगा, चाहे तो नहीं भी हटेगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा प्रोफाइल यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है, कोई भी पैनिक करने का जरूरत नहीं, चाहे मेल आए या फिर ना आए, मेल से भी लेना देना नहीं है अभी फिलहाल, तो ऐसे पेंडिंग प्रॉब्लम तो भूल जाओ, वो समझो सक्सेसफुल हो चुका है। तुम लोग बस प्रैक्टिस वगैरह पे ध्यान दो, ग्राइंड वगैरह करो एंड जो अभी तुम्हारा टीम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा राउंड वन के लिए, वो भी भाई बग ग्लिच है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तुम सभी को पता है, मेरे सब्सक्राइबर लोगों को पता है, मे बी तुम लोग शायद नहीं हो, तुम्हें नहीं पता, तुम लोग कमेंट कर रहे हो बार बार, तो मैं तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो टीममेट को भाई ध्यान से बोल देना कि भाई ये बग वगैरह चल रहा है, इस पर ध्यान ना दे भाई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन या फिर रात तक शाम तक कभी भी ये चीज़ प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लॉजिक सा ईयर चल रहा है 2024, लेकिन वेबसाइट में शो हो रहा है 2023, तो ये पिछला साल का जो कुछ वगैरह वेबसाइट का जो भी चीज़ था ग्लिच वगैरह, वो इस बार आकर के वो पैच हो गया, इस बार जो वेबसाइट ऑन हुआ है उसके अंदर में ये अपने आप फिक्स होगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है एंड तुम लोग बस प्रैक्टिस करो, ग्राइंड करो एंड इस चीज़ के अलावा कोई और प्रॉब्लम है तुम्हें, ठीक है, इस टॉपिक के अलावा मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो, पेंडिंग प्रॉब्लम हो या फिर ये जो डिस्क्वालीफाई का जो चल रहा है वो एक्सप्लेन कर दिया, इस चीज़ के अलावा कुछ और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इन गेम क्वालिफायर कब से स्टार्ट हो रहा है? 15 अप्रैल से 21 अप्रैल, यानी कि 6 दिन के अंदर 15 मैचेस कैसे खेलना है और उस चीज़ को कैसे कंप्लीट करें, मैंने डिटेल वीडियो भी चैनल पर डाला हुआ, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो चेकआउट करो एंड कुछ और डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर इंस्टाग्राम पर पूछो, ठीक है।